वेलकम बैक टू द चैनल का। इस व्लॉग में हमने आपको सारा शूट करके दिखाया कि कैसे हमने एक बाइसाइकिल खरीदी है। इवन इस वीडियो के एंडिंग में मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं कि आपको बाइसाइकिल क्यों खरीदनी चाहिए, व्हाई अ बाइसाइकिल इज इम्पोर्टेंट देन अ कार। आपके पास गाड़ी भी है यूके में, बट स्टिल आपको बाइसाइकिल की जरूरत पड़ेगी। एंड कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस किए हैं कि आपको बाइसाइकिल खरीदने टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो देख लेना। एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जो मार्केट से हमने बाइसाइकिल खरीदी है उसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो एंजॉय द व्लॉग। ऑलराइट गाइस, सो द टाइम राइट नाउ इज 11:45 AM। यहाँ से जो हंजलो वेस्ट की मार्केट है वो अराउंड 20 मिनट्स बाय वॉक है, सो हम बाय वॉक ही जाएंगे। वैसे तो वो मार्केट सुबह 8 बजे खुल जाती है, बट यू नो थोड़ा सा लेजी हो गए थे एंड रात को लेट सोए थे, तो जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकले हैं वहाँ पे मार्केट में जाएंगे। अगर वहाँ पे नहीं मिली तो यहाँ पे नज़दीक में इंटरनेशनल मार्केट भी है, तो वहाँ पे भी जाके आज देखेंगे। आज ले आना है बस अपने, अब सोच लिया इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी है, अभी बस साइकिल खरीद के लेके आएंगे। तो यहाँ पे तीन टाइप के बाइसाइकिल्स होते हैं। एक तो गया ई जो बैटरी पे चलता है, यू नो एक होता है नॉर्मल वाला जो हमारे इंडिया पाकिस्तान वो सब जगह में होता है, और एक होता है थ्री व्हीलर वाला। सो हम अभी कन्फ्यूज्ड हैं कि कौन सा लें, तो हमने अभी ये डिसाइड किया है कि हम बजट के साथ जाएंगे। हमारा बजट है अराउंड 50-50 pounds, दोनों मिलके हम लेंगे, है ना। अभी 50 pounds देगा ना मुझे? हाँ बिल्कुल। तो 50-50, 100 pounds के अंदर जो में बेस्ट डील मिलेगी, अगर ई बाइक मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तब तो यू नो उसके साथ तो आप 30-35 kilometers आराम से जा सकते हो, तो वो मिल गया वो ले लेंगे, वरना दूसरा वाला ले लेंगे। ये देखो गाइज, हम भी एक दिन ऐसे स्टाइल मार के जाएंगे। सो गाइज ये देखो हंजलो वेस्ट स्टेशन, एंड इसके ठीक लेफ्ट साइड में मार्केट हो जा रही है शुरू। साइकिल कहाँ पे है? परफ्यूम ले लो, ये ओनली सैटरडे इसको लगती है। तो हम ना पिछले 2 वीक से ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे आने का, अभी जाके अपने को टाइम मिला। फर्स्ट वीक तो पता ही नहीं चला हमको। तो ऐसे ही मिलेंगी ब्रो। कौन से गियर वाले पूछें? आजा उसको पूछना पड़ेगा जो वहाँ पे काम कर रहा है। How much for this? वो 50 का है, देख लो वो 50 का है। सो गाइज मैंने तो इसकी टेस्ट ड्राइव ले ली है, सारे गियर ब्रेक्स जितने भी हैं सब काम कर रहे हैं। अभी मेरा रूममेट ये लेके जा रहा है। जाओ जाओ देखिए, वो है 50 pounds का, ये है 70 pounds का, बट इसमें डिफरेंस तो कुछ है नहीं, बस वही है कम भी नहीं कर रहा है रेट। देखते हैं आज, गो फॉर दिस। लेनी तो अपने को एक ही है आज, बट आई थिंक इधर भी पड़े हैं कुछ साइकिल्स, वो उधर शॉपकीपर उधर बैठा है उससे जाके बात करके देख लेते हैं, और इधर उधर घूम के थोड़ा फिर उसके बाद इसको फाइनल कर देंगे। ऑलराइट गाइस, सो हमने इस साइकिल को फाइनल कर दिया है। फाइनल है ना ब्रो? फाइनल एकदम। बस इसमें ये है कि मड फ्लैप इधर एक लगा लेना है, उधर एक लगा लेना है, क्योंकि बारिश यहाँ पे होती है तो आपको पता ही है घूमेगा जब ये टायर,
तो पूरी मट्टी शर्ट वर्ट एकदम गंदे हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल कंडीशन इज़ गुड। अभी थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं भैया के साथ। मार्केट में काफ़ी कुछ है तो इसकी डिटेल वीडियो में डाल दूंगा अगर आपको चाहिए। काफ़ी चीप है ये मार्केट। ये साइकिल जो है हमने लिया है 70 पाउंड्स में, वैसे तो हमने 60 पाउंड्स में दिया है। उसके बाद इसमें मडगार्ड लगवाए हैं 5-5 पाउंड के आगे और पीछे, क्योंकि देखो जैसे कि अभी हो रही है बारिश तो इसको अगर आप चलाओगे तो आपका पीछे का सारा यूके की पहली इन्वेस्टमेंट कर दी है, अभी इसके बाद सब बड़ा ही होता जाएगा। सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो कैसी लगी और कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट करके बता देना। मिलते हैं, बाय बाय। अभी जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए यूके में एक बाइसाइकिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपके पास कार है फिर भी एक बाइसाइकिल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जो शॉर्टर जर्नीज हैं यहाँ पे 10 मिनट या जो जगह आप जाते हो वॉक करके, बाल कटवाने जा रहे हो या कोई छोटी मोटी ग्रोसरीज करने जा रहे हो, उस चीज के लिए आप कार नहीं निकालोगे। तो उस टाइम पे अगर आपके पास एक बाइसाइकिल है तो काम आपका काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। आपके पास गाड़ी हो जाएगी ना, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि अरे यार इतने छोटे काम के लिए क्यों गाड़ी स्टार्ट करनी है। अगर बाइसाइकिल रहेगी आपके पास तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आप जाओगे, इजी टू एक्सेस, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा ये पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपको अगर मिड रेंज जर्नीज करनी है, जैसे कि 10 माइल से नीचे नीचे आपको कहीं पे ट्रेवल करना है, तो अगर आप रह रहे हो इनर लंदन में या कुछ एक ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, अगर आप गूगल पे चेक करोगे, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन में डाल दूंगा, अगर मेरी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, वहां से मैं लंदन ब्रिज तक आ रहा हूँ, बाईसाइकिल जितना टाइम लग रहा है और बाय कार जितना टाइम लग रहा है वो दोनों सेम हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक के कारण कार्स को ज़्यादा सिग्नल है ना, उस पर रुकना पड़ता है, साइकिल वहाँ पे इजीली पास थ्रू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका टाइम, आपके पैसे, सारा कुछ बच रहा है। साइकिल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि गाड़ी ना हो फिर भी चल जाएगा, बट साइकिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जैसे साइकिल खरीद ली है यहाँ से मेरे घर से हंसलो वेस्ट स्टेशन, इट वुड टेक अराउंड 22 मिनट्स बाय वॉक। अभी मैंने साइकिल ले लिया है, विद इन 8 मिनट्स चल जाता हूँ, बस का रेंट भी बच रहा है, उसके बाद टाइम भी बच रहा है। सो एक साइकिल सुनने में काफी छोटी चीज लगती है, बट आपके पास अगर रहेगी ना, ह्यूज 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 डिफरेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। तीसरा पॉइंट ये है कि काफी जॉब्स हैं, जैसे होगी उबर ईट्स होगी या तो गेटर हो गया, डिलीवरी की जॉब्स होगी, उसमें दे वॉन्ट कि आपके पास एक बाइसाइकिल हो। अगर आपके पास बाइसाइकिल नहीं है तो आपको उनकी रेंटेड पे लेनी पड़ती है या तो उनके हब में जाके कहीं पे दूर ट्रैवल करके फिर आपको वहाँ पे जॉब्स करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास खुद की एक बाइसाइकिल रहेगी तो आप इजीली अपने एरिए में जॉब कर सकते हैं। अब वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ई बाइक लेनी है या नॉर्मल बाइसाइकिल लेनी है। अगर ई बाइक ले लोगे तब तो काफ़ी 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 ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इवन बाइसाइकिल से भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपका, क्योंकि वो बैटरी ऑपरेटेड रहती है और 4-5 घंटे चार्ज करने के बाद इट कैन ईजिली गो अप टू 35-50 किलोमीटर्स, डिपेंड्स आप कितनी स्पीड चला रहे हो उसको। बट या वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है। एज अ स्टूडेंट मुझे यही लगता है कि एक नॉर्मल बाइसाइकिल गियर वाली जो होती है वो आप खरीद लो फॉर द टाइम बींग 70 से 80 या मैक्सिमम 90, मैक्सिमम चलो 100 पाउंड की आ जाएगी, आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना, कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे अगर आप कुछ पर्सनल पूछना चाहते हो तो मैं लिंक डाला हुआ है, लोकेशन का लिंक डाला हुआ है, बाइक्स जहाँ से लिए हैं हमने, सो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सेस मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।